हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जॉर्ज ओवेल्स एनिमल फार्म फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द ऑथर जॉर्ज ऑरवेल वाज़ द स्टूडन ऑफ इंग्लिश ऑथर एरिक आर्थर ब्लेयर जॉर्ज ऑरवेल जो है वो उनका जो रियल नेम था दैट वाज़ एरिक आर्थर ब्लेयर And George Orwell was his pen name, and he was born in nineteen hundred and three in Bengal, where his father was working for the opium department of government of India. His first book publication was *Down and Out* in Paris and London, which nineteen thirty three in 1933 and that was dealing with his experience of poverty and homelessness. Uh, that means to say that he was always writing about the social issues uh, which were prevalent in the society, right? And then afterwards, he also wrote six fictional novels, uh, which included Animal Farm, which was written in 1945, Chalk Full of Neologisms, 1984, and then number of essays and collection which he wrote in 1938, and he died in 1950 after a long, long battle of tuberculosis. Now, about "Animal Farm," when we look at the novel, it paints an imaginary world where society is an unpleasant and cruel. The plot of the novel weaves around a tale of equality and it takes the readers to Mr. Jones' manor farm. Jo story hai base hai story ka usme Mr. Jones ka manor farm hai. Menor farm is a farmhouse. Joki Mr. Jones Chalate hai. it's a farmhouse where he has lots of animals and he has lots of hens, right? And he is the owner. लेकिन एनिमल्स जो हैं दे ड्रीम टू अचीव कंप्लीट फ्रीडम वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई मालिक हो यू नो दे वांट टू बी द लीडर्स एंड दे वांट टू गेट फ्री फ्रॉम द ह्यूमन मास्टर जो उनका ह्यूमन मास्टर है मिस्टर जोन्स उसको हटा के वो खुद यू नो दे वांट टू मास्टर एंड दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द नावल और द नावेला विच वी आर गोइंग टू स्टडी सो दिस इज़ द एनिमल फ़िलोसफी ऑफ इक्वालिटी जहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो रेवोल्यूशन करते हैं दे राइज इन रेवोल्यूशन इन ऑर्डर टू गेट इक्वलिटी एंड द नाव नोवल एंडज़ विद द री नेमिंग ऑफ मेनर फार्म यू नो वो जब रेवोल्यूशन करते हैं और वो मिसटर जोन्स को उस फार्म हाउस से बाहर भगा देते हैं हटा देते हैं तो उस मेनर फार्म का जो नाम है वो रीनेम होके एनिमल फार्म बन जाता है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नावल वी फाइंड दैट एंड में फिर दोबारा से वो मेनर फार्म बन जाता है वो कैसे बनता है दैट वी विल बी स्टार्टिंग इन दिस नावल सो इट्स अ डिलाइटफुल नावल इट्स ह्यूमरस नावल बहुत अच्छे सीन्स भी हैं इसमें बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स भी हैं एंड देर इज़ अ सेटायर Which is also prevalent as we go and we read the novel, you know. And it's a beautiful novel which uh, the, uh, the writer has written. It is also an allegorical novel as we read about it, which was the story of a group of farm animals, as I told you, who are rebelling against the human farmer. वो जो रिबेल है ह्यूमन फार्मर के अगेंस्ट वो करना चाहते हैं और वो करते भी हैं सो दैट दे क्रिएट अ सोसाइटी एक वो अपनी एनिमल्स अपनी सोसाइटी बनाना चाहते हैं वेयर दे आर ऑल इक्वल वेयर दे आर ऑल फ्री एंड वेयर दे आर ऑल हैप्पी दैट मीन्स दे आर द मास्टर्स वो खुद वहाँ के मालिक हैं वो नहीं चाहते कि उनके सिर पर कोई भी मालिक हो यू you नो know? क्योंकि काम एनिमल्स करते हैं दूध जो है वो वहाँ पर गाय दे रही है हैं्स जो हैं वो एग्स दे रहे हैं हॉर्सेस जो हैं वो काम कर रहे हैं यू you नो know, सामान ढोने का या और भी जितने भी एनिमल्स हैं बट द फ्रूट इज़ ईटन बाय द्यूमन बींग्स और दी द ओनर यू नो मिस्टर जोन्स तो वो चीज़ उनको पसंद नहीं आती और वो जो चीज़ है वो उनको uh, उनका जो मेन है कैरेक्टर वो उनको बताता है यू नो ही रिजेंबल्स द मेन कैरेक्टर हिज नेम इज़ ओल्ड मेजर ही इज़ एन ओल्ड पिग यू नो ही विजुअलाइज दिस उसको एक ड्रीम आता है ही हैज़ एन विजनरी ड्रीम जिसमें वो ये चीज़ उनको बताता है ही हैज़ अ विजन ही हैज़ अ ड्रीम कि एक टाइम ऐसा आएगा दैट वी ऑल विल बी द मास्टर्स एंड uh, हमें किसके अंडर काम नहीं करना पड़ेगा अगर हैंड्स एग्स देंगी तो वी विल ईट यू नो अगर काउज जो हैं इफ़ दे आर गिविंग मिल्क वी विल बी द वॉन्स टू ड्रिंक नॉट द मैन यू नो वॉट एवर वी आर गिविंग वट एवर वी आर डूइंग तो उसका जो मज़े हैं वो आदमी ले जाता है सो दे वॉन्टिड दैट दे शुड हैव ऑल द प्रिवलेज ऑल द फ्रूट्स वट एवर दे आर हैविंग राइट Now this novel is an allegory of Russian revolution of nineteen hundred and seventeen. Nineteen seventeen make Russian Revolution Wata. Maybe you have studied in history or maybe you have heard about it. And that was uh, you know, this novel is the allegory which is the rise to power of the dictator Joseph Stalin. Us time Joe. वहाँ पे पावर में आया था रशियन रेवोल्यूशन के बाद दैट वाज जोसेफ स्टालिन जो इस नावल में एलेगोरिकल फॉर्म में उसको लिया गया है दैट इज नपोलियन उसका नपोलियन के साथ हमने कंपेयर uh, किया है विच वी विल डू इन डिटेल लेटर और नोवेल में है यू नो दे ओवर थ्रो द ह्यूमन अप्रेसर मिस्टर जोन्स एज आई टोल्ड यू सारे के सारे एनिमल्स दे राइज इन रिवोल्ट और मिस्टर जोन्स को वहाँ से वो भगा देते हैं हटा देते हैं एंड दे यू नो ये दे टेक द कंट्रोल ऑफ दी फार्म एंड वो जो फार्म है इट इज़ गवर्नड बाय द पिग्स पिग्स जो हैं इस नावल में उनको सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर्स एनिमल्स माना गया है एंड वो जो फार्म है फिर वो पिग्स के अंडर रूल में आ जाते हैं दो दे आर इन द स्टार्टिंग दे आर ऑल इक्वल शुरू में वो सारे इक्वल ही होते हैं लेकिन धीरे धीरे वी विल से वी विल सी हाउ द द थिंग्स चेंज और वो जो आ, काम जो आदमी कर रहे थे यू नो दे वर रूलिंग द एनिमल्स फिर धीरे धीरे जो है पिग्स स्टार्ट रूलिंग द एनिमल्स एंड सेम वे यू नो वही सिचुएशन आ जाती है जो कि पहले चल रही थी सो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द नावल वट वी वैन वी रीड इट राइट एंड दिस एनिमल फार्म नावल इज़ अ सटायर ऑन द हिस्ट्री ऑफ रशिया कम्युनिस्ट रूल के अंडर जब रशिया था तो उस पर एक ये सटायर है व्यंग है यानि कि सही बात कहने के लिए सही तरीके से कहने के लिए यू you नो know, uh, एक ऐसे तरीके से कही जा रही है दैट इट इज़ अम्यूजिंग इट इज़ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट एक्चुअली इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग यू नो इट्स अ वेरी सीरियस नोट लेकिन उसको ऐसे मजाक में कहा जा रहा है कि वो पता भी नहीं लग रहा कि वो मजाक है लेकिन इट्स अ सीरियस थिंग एंड दैट इज़ वॉट दी ऑथर हैज़ पुट इन द नावल राइट the russian revolution uh, let's talk about that that was inspired by karl marx karl marx kanam you might be knowing that he was a germ german economist he lived from 1818 to 1883 and he was the founder of revolutionary communism communism ki jab hum baat karte hain, दैट इज अ डिफरेंट थ्योरी जिसमें मार्क्स का मानना था दैट कॉमन मैन दे शुड टेक ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फ्राम द कैपिटलिस्ट एक होता है मालिक एक होता है नौकर यू नो दैट इज द कैपिटलिस्ट थ्योरी आई एम पुटिंग इट इन वेरी सिम्पल वर्ड्स एक मालिक है जो कि कैपिटलिस्ट है जिसकी जिस जो कि ओनर है एक फैक्ट्री मान लो यू you नो know? एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री का जो ओनर है वो कैपिटलिस्ट है और जो उसके अंडर काम कर रहे हैं वो वर्कर्स हैं तो बात वही है कि वर्कर्स सारे काम कर रहे हैं दिन रात काम कर रहे हैं और उनका जो बेनिफिट है वो कैपिटलिस्ट ले जाता है जितना वर्कर काम कर रहा है दिन रात पसीना बहा रहा है लेकिन उसका जो सारा का सारा फ्रूट है उसकी जो सारी की सारी मेहनत है वो कैपिटलिस्ट ले जाता है हालांकि कैपिटलिस्ट अपने एसी रूम में बैठा है वो कोई काम नहीं कर रहा यू uh, नो you know, कोई ज़्यादा लेबर नहीं कर रहा काम चलो कर रहा है थोड़ा ब्रेन वर्क कर रहा है बट फिज़िकल लेबर बिल्कुल भी नहीं है सो सिमिलर इज़ द केस इन एनिमल फार्म जैसे कि शुरू होता है यू नो ऑल द एनिमल्स आर वर्किंग एंड जो उनका मालिक है वो कैपिटलिस्ट से उसको कंपेयर किया गया है So, this is the kind of uh, comparison which is made in the novel, and this is the Marxist theory of communism. Marx has put in theories, he has elaborated his theories in the famous book Communist Manifesto, which Marx book in 1848 and Das Capital. ये जो किताबें हैं इनमें मार्क्स ने अपनी थ्योरीज दी थी एंड हिज मेन थ्योरी वाज सोशलिज्म सोशलिज्म का मतलब यही है कि सारे के सारे वर्कर्स जो हैं वो बराबर हैं दे आर ऑल इक्वल दे आर ऑल इंडिविजुअल्स विच आर इक्वल विच शुड हैव नो अप्स एंड डाउन्स कि कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है सो so, मार्क्स का ये भी मानना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है दैट इज आल्सो एन ईवल एंड उसका मानना था कि जो ज़्यादा क्लेवर लोग हैं वो कैपिटलिस्ट बन जाते हैं और दूसरों को वो रूल करते हैं सो इसलिए ही वांटेड दैट ऑल द पीपल दे शुड ओन द प्रॉपर्टी कलेक्टिवली कोई भी प्रॉपर्टी है जैसे यहाँ पे मेनर फार्म है तो मेनर फार्म जो है वो कलेक्टिव ओनर्स बनना चाहते थे सारे एनिमल्स यू नो आप देखो कि वो मार्क्स की थ्योरी पर ही चल रहा है मार्क्स आल्सो बिलीव्ड कि एक अकेले इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है जैसे फैक्ट्री है तो वो एक इंसान की मानी जाती है कि ये इस so so, so so, इसकी प्रॉपर्टी है से मिस्टर चार्ल्स या कुछ भी नाम मान लो आप फॉर एग्जांपल सो so, अगर कोई फैक्ट्री है मिस्टर चार्ल्स की है तो वो तो सिर्फ मिस्टर चार्ल्स की है और मिस्टर चार्ल्स जो है वो एक तरह से डिक्टेटर हुआ हु इज़ यू नो हु इज डिक्टेटिंग थिंग्स ऑन हिज वर्कर्स उन उसने हुक्म दिया और बाकियों को वो चीज़ करनी पड़ती है लेकिन यहाँ पे जब हम मार्क्स थ्योरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एज पर मार्क्स ही सेज कि एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी सो so, वही एनिमल्स ने किया दे डेंट वांट दैट वन मैन शुड बी दी ओनर इसीलिए उन्होंने रिवोल्ट किया एंड दे वॉन्टिड टू एस्टैब्लिश सोशलिज्म एंड ऑल दी एनिमल्स रिवोल्टेड सो एज टू एस्टैब्लिश सोशलिज्म और जब वो उस फार्म को अपना बनाते हैं यू नो दे आर ऑल द इक्वल ओनर्स ऑफ द फार्म जितने भी एनिमल्स हैं पंद्रह बीस जितने भी थे वो वो सारे के सारे उस फार्म के ओनर्स हो गए तो उसमें कोई मालिक नौकर वाली बात ही नहीं रही ऑल आर इक्वल ऑल हैव द सेम स्टेटस ऑल इन्जॉय इक्वल राइट्स एंड ऑल इन्जॉय द प्रिवेज जो खाना है जो फसल उग रही है जो कुछ भी वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है फार्म में वो उन्होंने ही काम करना है और उन्होंने ही खाना है

वो जो प्रॉपर्टी है वो सबकी मानी जाएगी बिकॉज मार्क्स वॉज एन आइडियलिस्ट मार्क्स जो है वो आइडियलिज्म पर चलते थे एंड ही ड्रेम्ड ऑफ अ पैराडाइज ऑन अर्थ ही वॉन्टेड टू हैव अवन ऑन अर्थ वो चाहते थे कि धरती पर एक स्वर्ग हो जिसमें ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा हो एंड सारे के सारे जो आदमी हैं वो बराबर हों दे शुड बी फ्री दे शुड बी इक्वल अब एनिमल्स के जैसे घोड़े हैं घोड़ा है या बाकी एनिमल्स हैं, दे आर पुट इन द केजेस हैंड्स को पिंजरों में रखा जा रहा है घोड़े के सैडल डाली हुई है उसके नाक में रस्सी है यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स सो दे वॉन्टेड एनिमल्स टू बी फ्री अकॉर्डिंग टू द मार्क्स थ्योरी फ्री तो फिर ऐसे ही होंगे ना अगर आदमी रहेगा उनके सिर पे वो तो खुला नहीं छोड़ेगा ही विल ऑलवेज पुट देम इन द केजेस वो तो उनको बंद पिंजरे में ही रखेगा सो एज पर मार्क्स दे वॉन्टेड टू एंजॉय अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड दिस दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द नावल एंड दिस फॉर्म्स द वायलेंट रेवोल्यूशन और इसकी वजह से जो डिक्टेटरशिप थी उसको हटाने के लिए यू नो ऑल द एनिमल्स रिवोल्टेड एंड दे वेंट against uh, old major the owner of the farm right so then uh, sorry old major is not the owner that is the uh, old pig right the owner is the farmer jones we were talking about right i stand corrected and before we start with the details of the novel um, लेट्स टॉक अबाउट द करेक्टर्स इसमें कोई एक करेक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है देर आर मैनी कैरेक्टर्स इन द नावल एंड द मेन कैरेक्टर्स जो प्लेस है सारे के सारा नावल जहाँ से स्टार्ट होता है दैट इज़ द मेनर फार्म एज आई टोल्ड यू जो कि एक एग्रीकल्चर और पोल्ट्री फार्म है एग्रीकल्चर है जहाँ फसल वगैरह उगाई जाती है और पोल्ट्री जो है वो भी वहाँ पर Uh, मुर्गियाँ हैं अंडे देती हैं एंड ऑल काइंड ऑफ़ प्रोडक्ट्स मिल्क एंड ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स राइट एंड ये सब का जो मालिक है दैट इज़ द फार्मर जोन्स जो कि उसका मेन ओनर है लेकिन जब एनिमल्स उस पर हमला बोल देते हैं इकट्ठे इट इज़ द टाइम जब वो उस फार्मर जोन्स को बाहर निकाल देते हैं एंड दे बिकम द ओनर्स और फिर उस फार्म का नाम जो है मेनर फार्म से एनिमल फार्म बदल जाता है राइट right? सो so, ये जो है इट इज़ कॉल्ड द मेनर फार्म क्योंकि नेपोलियन ने जब इस्टेब्लिश किया था डिक्टेटरशिप, तो उस टाइम वो रशिया की बात हो रही है यू नो दैट इज द एलेगोरिकल सिग्निफिकेंस जिस टाइम रशिया पर नेपोलियन जो किंग था उसने इन्वेड किया था सो दैट वॉज द टाइम uh, that was the undisputed dictatorship right तो इसलिए ये रशिया को symbolize कर रहा है then we come to the other character the main character here that is the old major जिसकी वजह से ये revolution शुरू हुई थी old majors जो है he is the old pig who has a visionary dream उसका वही कॉल मार्क्स वाला ड्रीम है कि सबको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए ऑल आर इक्वल एंड ही इंस्पायर्स द एनिमल्स विद हिज कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन सबको बुलाता है एक मीटिंग कॉल करता है जब नॉवल स्टार्ट होता है वी विल रीड एंड वी विल आई समराइज इट एंड ही कॉल्स अ मीटिंग एंड ही टेल्स एवरी वन अबाउट हिज विजनरी ड्रीम कि हमें इकट्ठे रहना है हमें साथ रहना है हमें एक ही स्टेटस जो है इक्वल स्टेटस में रहेंगे सो वी कैन कंपेयर ओल्ड मेजर टू कालमार्क्स जिसकी आइडियोलॉजीज जो हैं दे आर लीडिंग टू द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन देन वी हैव अ कैरेक्टर स्नोबॉल। स्नोबॉल स्नोबॉल इज अ ब्रिलियंट आइडियलिस्टिक पिग ही इज अ पिग ज्यादा इसमें पिग्स हैं इस नॉवल में जो मेन कैरेक्टर्स हैं जो ज्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स वॉट वी कैन से दीज आर दिग्स तो पहले ओल्ड मेजर हुआ जिसने कि रेवोल्यूशन का सीड डाला सबके दिमाग में उसके बाद स्नोबॉल है ब्रिलियंट आइडियलिस्टिक पिग ये बहुत ब्रिलियंट पिग है उसका बहुत ज्यादा ब्रेन है इज अ वेरी ब्रेनी पर्सन एंड हिज आइडियाज मे बी वर नॉट ऑल प्रैक्टिकल सारे आइडिया शायद उसके प्रैक्टिकल नहीं थे बट बहुत उसके ग्रैंड आइडियाज थे बड़े बड़े आइडियाज थे और एलेगोरिकली ऑल्सो ही इट इज़ ही रिजेंबल्स अ पर्सन ट्रॉथस की जो कि हिस्ट्री में हुआ है एलगरी मैं बाद में डिस्कस करूँगी पहले इसके मेन जो पॉइंट्स हैं दैट वी विल डिस्कस राइट एंड देन अनादर पिग दैट इज नपोलियन ही इज़ अ वेरी एग्रेसिव बहुत एग्रेसिव है बहुत गुस्से वाला है बहुत श्र्यूड है मतलब चलाक है एंड अलॉन्ग विद स्नोबॉल ही बिकम्स द लीडर ऑफ एनिमल फार्म एक टाइम पे जब वो ओल्ड मेजर को भगा देते हैं और स्नोबॉल और नेपोलियन वो दोनों ही एक टाइम पर वो लीडर्स बन जाते हैं फार्म के और बाद में नेपोलियन इतना श्र्यूड है कि वो स्नोबॉल को भी फिर वहाँ से भगा देते हैं और बाद में ही बिकम्स वेरी पावरफुल एंड एक तरह से वो डिक्टेटरशिप जो है वो नेपोलियन के हाथों में आ जाती है एंड ही रिप्रेजेंट्स स्टेलिन इन हिस्ट्री हिस्टोरिकल जो इसके बैकग्राउंड है लेकिन अभी हमने कंफ्यूज नहीं होना ये हिस्टोरिकल जो है इंटरप्रटेश वी कैन टेक दैम अप लेटर देन नेपोलियन का एक जो स्टूज है स्टूज इज़ यू नो चमचा जिसको हम कहते हैं जो उसकी उसके इशारों पे नाचता है दैट इज़ द स्क्वीलर, उसका नाम है स्क्वीलर, और ये छोटा सा एक पिग है ही इज़ अ वेरी परसुएसिव स्पीकर ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर एंड ही कैन कन्विंस अदर पीपल वेरी वेल तो सारे के सारे एनिमल्स को स्पीच के थ्रू अपनी बातों के थ्रू उनको सच झूठ के थ्रू कैसे उनको बुद्धू बनाता है यू नो स्क्वीलर इज़ द वन हु रिप्रेजेंट्स द प्रोपोगेंडा ऑफ द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट में प्रोपोगंड होते हैं जो हम यू uh, नो you know, नेताओं का देखते हैं पोलिटिकल स्टैंड्स देखते हैं जो भी अपने आसपास हम हिपोक्रिटिक्स देखते हैं यू नो हिपोक्राइट्स एंड द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल जो झूठ सच बना बना के बातें करते हैं यू नो दीज ऑल आर रिप्रजेंटेड बाई स्क्लर एंड देन देर आर मैनी मैनी अदर एनिमल्स उनमें बहुत सारे हैं बॉक्सर है एक ही इज़ अ हॉर्स मौली है वो शी हॉर्स है जिसको हम मेयर भी कहते हैं दैन देर इज़ बेंजमिन हु इज़ अ डंकी है ना इस तरह के और भी एनिमल्स हैं जो थोड़ा थोड़ा जिनका रोल्स रोल आता है बीच बीच में सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग नावल And those of you who have, who have the text, they can read it. <laughs>